हेलो फ्रेंड्स, डे टू डे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन राइस। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि इसे अब हर स्टेट के लोग खाना पसंद करते हैं। ये आसानी से और जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, तो आप इसे ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए लेमन राइस बनाना शुरू करते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप चावल लिया है। ये हमने पहले से चावल बना के रख लिया है। यहाँ पर हमने बासमती चावल यूज किया, कोई भी चावल यूज कर सकते हैं। थोड़े से हम हरा धनिया की पत्ती बारीक काट के रख लेंगे। थोड़े से मूंगफली के दाने ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मटर भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश हरा मटर। और एक छोटा नींबू हम लेंगे। थोड़े से हमने यहाँ पर हरे प्याज बारीक काट लिए हैं, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो यहाँ पर वो ऑनियन भी काट सकते हैं, रेड वाला। और यहाँ पर हमने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल यूज करेंगे। थोड़े से हमने करी लीव्स के पत्ते ले लिए। हमने यहाँ पर ड्राई करी लीव्स लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश करी लीव्स भी ले सकते हैं। और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर यूज करेंगे। नमक स्वादानुसार लेंगे या फिर आधा छोटा चम्मच। और यहाँ पे हमने थोड़े से जीरा लिए हैं, थोड़े से चना दाल लिए हैं, थोड़े से सरसों के दाने काली वाली राई, और थोड़ी सी उड़द दाल ली है, और एक हरी मिर्च का टुकड़ा ले लिया है। तेल हमने डाल लिया है 2-3 चम्मच। अब हम इसमें, तेल गरम हो गया है तो इसमें हम ये चना दाल डाल देंगे। ये सारे छौंकने वाली चीजें डाल देंगे हम इसमें, और इसे कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं। जब तक हमारे वो चना दाल और जीरा भून रहे हैं, तब तक हम इसमें नींबू के रस में, मैंने नींबू का रस यहाँ गाड़ लिया है, इसमें हम हल्दी पाउडर मिला देंगे। नींबू के रस में हल्दी पाउडर मिला करके डालने से तेल में लेमन राइस का कलर बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा लगने लगता है और ज़्यादा। तो इसे में हमने मिक्स कर लिया हल्दी को नींबू में। अब हम इसे उसमें डालेंगे। ये हमारे जीरा, चना दाल, उड़द दाल और मिर्च भून गए हैं। तब हम इसमें ये जो हमने नींबू और हल्दी घोल के रखा है ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते को भी मिक्स कर लेंगे। मूंगफली के दाने डाल देंगे और इन्हें मूंगफली के दानों को हम कुछ देर भून लेते हैं। मूंगफली के दाने हमारे थोड़े से भून चुके हैं, तब हम इसमें ये कटे हुए हरे प्याज डाल देंगे। मूंगफली के दाने और ये कटे हुए प्याज ऑप्शनल है। इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। हम इसे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लेते हैं। ये हमारे 1 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून भी गया है। आप चाहे तो इसमें, जैसे मैंने पहले ही तेल में लेमन राइस और हल्दी मिला करके डाल दिया है, तो आप चाहे तो मूँगफली, प्याज और ये करी पत्ते अच्छे से भून लें, उसके बाद आप इसमें लेमन और हल्दी को मिक्स करके डाल सकते हैं। तब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है लेमन राइस का। अगर आप इसे और ज्यादा पीला करना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी की मात्रा और ज्यादा बढ़ा लें। तो अब हम इसमें थोड़े से हरा धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेते हैं। ये हमारा लेमन राइस बनकर के तैयार हो गया है और इसे आप धनिया की पत्ती या फिर पुदीने की पत्ती से गार्निश कर सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, छोले के साथ खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।